हेलो, नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी सॉन्ग, जो बहुत ही पुराना गीत है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही धीमी गति से गाने को बजाऊंगा ताकि आप हर एक स्वर को समझ पाए कि किस तरह किन किन स्वरों पर शब्द बैठा हुआ है। तो आप उसे बहुत ही धीमी गति से प्रैक्टिस करके निकालेंगे ताकि जब आप पूरे गाने को निकाल लें तो बिना किसी गलती के आप पूरे गाने को अच्छा से बजा भी पाएं और गा भी पाएं। ठीक है। और शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। जिस तरह मैं इसमें हर तरह की टिप्स को डालता हूं, बहुत सारे मूवी सॉन्ग, भजन, गज़ल, कव्वाली और शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे टिप्स मैं हर हमेशा लोड करता रहता हूं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा मेरा मकसद ये है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा बच्चा संगीत का ज्ञान प्राप्त कर सके। जिसको संगीत का ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जिस गांव में, जिस शहर में, आपके आसपास में अगर म्यूज़िक सीखने की संभावना नहीं है, म्यूज़िक सिखाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, वो लोग भी म्यूज़िक सीख सकें। और दूसरा, ऐसे लोग भी सीख सकें जिन्हें सामर्थ्य नहीं है कहीं पर म्यूज़िक क्लास में ज्वाइन करके सीखने का। ठीक है। और मैं हर हमेशा कहता हूं कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप निश्चित रूप से फीस पे करें और सीखें। ठीक है। लेकिन जो ऐसे गरीब हैं, जो जिनके पास समझिए कि जो प्रॉपर आवश्यकता है घर में खाना पीना रहना, अगर वही संभव नहीं हो पाता है तो वो संगीत सीखने में निश्चित रूप से असमर्थ है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए भी ये डालता हूँ ताकि वो भी संगीत से जुड़ सकें और कुछ बेसिक जानकारी संगीत की सबको हो सके। ठीक है। तो आइए आप इसका आनंद लें, सीखें बहुत ही धैर्य से। और मैं हर बार कहता हूँ कि जब आप गाना को निकालते हैं तो एक एक शब्द को निकालें बहुत ही आराम से, धीरे धीरे। ठीक है। ताकि आप उसे सही तरीके से समझ पाएं। आइए देखिए इस गाने को, इसके म्यूजिक, इंट्रोल्यूड्स, ये सारे मैं पार्ट टू में डालूंगा। पार्ट वन में गाने का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखें। यहां से शुरू करते हैं, एफ शार्प से यहां से इस गाने को गाएंगे। देखें, झिलमिल सितारों का, फिर से झिलमिल सितारों का, आरों का, फिर से झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंगन होगा, रिम झिम बरसता, रिम झिम, ये नोट, रिम झिम बरस, ब यहीं पर है, रिम झिम बरसता, सावन होगा, सावन होगा। ठीक है। दो तरह से सावन होगा कर सकते हैं, सावन होगा, दूसरा सावन होगा। ठीक है। ये है पहली लाइन। एक बार फिर से देखें, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता,
सावन होगा। दूसरी लाइन, ऐसा सुंदर सपना अपना। ये तीन नोट है, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। फिर से, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ठीक है, तो ये हुआ स्थाई। अब अंतरा देखें, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। फिर से, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियाना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। फिर से, कलियाना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा। बगिया से सुंदर वो बन होगा, वो ठीक पहली लाइन की तरह है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा जैसा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक चीज इसमें मैं और बताना आपको चाहूंगा, जब प्रेम की गली में हम गाते हैं तो प्रेम की गली के बीच में एक हम है, वो इस तरह से है, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। अब दूसरी बार प्रेम की गली में बोल करके वो हम करना है, प्रेम की गली में हो ये ना, मगरे सागरे सा हो ओ, ठीक है, बाकी आप सभी चीज को समझ गए हैं। और जब प्रेम की गली में आप एक बार पूरे अंतरा को सीख जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप बाद के जो दो पैराग्राफ हैं उसे भी आप समझ गए, क्योंकि अंतरा का जो ट्यून है वो सबका सेम है, एक जैसा है। तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, बस एक बात हर हमेशा ध्यान रखें कि बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से करें। ठीक है, कोशिश करें कि बहुत अधिक परफेक्शन हो सके आपका, मतलब बहुत कम से कम गलती हो या गलती ना हो,
तो आप अच्छा बजा पाएंगे, अच्छा गा पाएंगे। उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है, धीरज रखकर प्रैक्टिस करें और इसका अच्छी तरह प्रैक्टिस करके तैयार करें। फिर दूसरे पार्ट में मैं इसका म्यूज़िक बताऊंगा और फिर आप उसे पूरा कर लेंगे। तो फिर एक फाइनल वीडियो मैं आपको रिदम के साथ भी गा करके भेजूंगा, या देखूंगा अगर कैरोकी के साथ गा के भेजूंगा तो आप उसमें भी समझ जाएंगे किस तरह उसे ताल में गाना है, किस तरह उसका म्यूज़िक बजेगा, उसे भी सीख जाना है। ठीक है, तो फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।